कांकेर जिले के मामगंज प्रखंड के पकरी गुरिया पंचायत के गांव पाकंडी में सोमर मांझी के घर एक बकरी ने हाथी के आकार के बच्चे को दिया जन्म। तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर की सलाह, माँ को बच्चों पर विशेष ध्यान देने की है जरूरत। फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, अब 1 जून 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक के बाद आज इसका किया ऐलान। के फल्गु नदी से डेड बॉडी बरामद, युवक के बदन पर ना चोट और ना कटे फटे का निशान, कौन शव फेंक गया इसकी जांच में जुटी गया पुलिस। चावल घोटाले में फरार अपर सचिव सचिवालय में कर रहे हैं ड्यूटी, आरटीआई एक्टिविस्ट ने खोली पोल, सीएम नीतीश से की शिकायत। चार दो महीने में कुल्हड़िया गांव के 125 लोगों की हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग को खबर ही नहीं। में रिश्तों का कत्ल, आपसी विवाद की बलि चढ़ी 9 माह की मासूम, चचा ने ही गला काट कर की बर्बरतापूर्ण हत्या। अब पीएम मोदी से टकराए जीतनराम मांझी, कहा कि फोटो लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना की डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाएं अपनी फोटो। कोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, नजरबंदी के आदेश के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मंत्री जीतनराम मांझी की बहू को है बाइक चलाने का शौक, लालू की बेटी से वॉर की वजह से हो रही है चर्चा। नीतीश कैबिनेट के मंत्री अब नहीं करेंगे क्षेत्र का भ्रमण, मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट में ऐसा करने से किया मना। सरिया फैक्ट्री में बड़ा हादसा, रॉ मटेरियल गलाने वाली भट्टी के ब्लास्ट से काम कर रहे 9 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। के कलाकारों को मिलेगा सम्मान, कोरोना त्रासदी में 1500 का मिलेगा सम्मान, लेकिन 80 दिनों का करना होगा इंतजार, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। सख्त लॉकडाउन का असर, जयपुर में पुलिस ने 24 घंटे में 4154 लोगों से 6 लाख का जुर्माना वसूला, अब तक 4,74,00,000 रुपए का वसूला जुर्माना। बिहार में कोरोना से 40% मौतें सिर्फ 4 जिलों में, पटना में 1143 परिवार पर भारी पड़ा कोरोना वायरस, मुजफ्फरपुर और नवादा नहीं भूलेगा कोरोना का कहर, गया में 180 की हुई मौत, राज्य में पिछले 23 दिनों में 1989 लोगों की हुई मौत। फंगस से IGIMS में 2, NMCH में 1 मौत, पटना में अब तक 10 की गई जान, एम्स में 47 और IGIMS में 65 ब्लैक फंगस संक्रमित हैं भर्ती। बिहार में मौसम अलर्ट, तौते के बाद यास चक्रवाती तूफान का बिहार में बड़ा असर, देश के 7 राज्यों को तूफान को लेकर किया अलर्ट। राजस्थान में नशे का नेटवर्क, जयपुर के बाद अजमेर में छापेमारी, 117 कार्टून में 11 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, 2 हिरासत में मास्टरमाइंड व गोदाम मालिक की तलाश। पटना में पोस्टर पर सियासी घमासान, सीएम नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर को आरजेडी ने जनता की आवाज बताया, भड़की जदयू ने कहा इसके पीछे ट्विटर परिवार। पढ़ाने के लिए बहाल शिक्षक कर रहे हैं कोरोना ड्यूटी, 760 ने जान गंवाई, फिर भी ना मुआवजा ना फ्रंटलाइन वर्कर माना जा रहा। लालू यादव के गांव में 90% लोगों की जांच, सिर्फ 6 संक्रमित मिले, कोई मौत नहीं, 60% को लगा टीका। राबड़ी के गांव में 100% जांच, पॉजिटिव एक भी नहीं मिला, लेकिन 10% नहीं लगवाई वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, थर्ड वेव में बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकते हैं बच्चे, बाल आयोग ने हर राज्य से ICU समेत बच्चों के इलाज वाले 22 उपकरणों का डेटा मांगा। में लॉकडाउन फेल, दुकानदारों से लेकर खरीदार तक कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं पालन, सब्जी मंडी में उमड़ रही भीड़, सड़क पर जाम। सोनू सूद के नाम आर्मी ऑफिसर का लेटर, कोविड अस्पताल के जरूरी उपकरणों की मांगी मदद, खत वायरल हुआ तो सीनियर अधिकारी हुए नाराज। कमलनाथ के खिलाफ FIR, MP के पूर्व CM ने महामारी को इंडियन कोरोना कहा था, BJP विधायकों की शिकायत पर केस हुआ दर्ज।